मसीह में आपकी सलामती हो। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कांटों का वो ताज जो यीशु मसीह को पहनाया गया, और ये भी जानेंगे कि वो ताज किस दरख्त के कांटों से बनाया गया। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए एक यादगार वीडियो ठहरे। बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने वाले जानते हैं कि यीशु नासरी को सलीब दिए जाने से पहले उनके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया था। यीशु मसीह को ये ताज तकलीफ देने के लिए और ठट्ठों में उड़ाने के लिए पहनाया गया। तंजिया तौर पर उन्हें यहूदियों का बादशाह कहा गया, और ताज जो बादशाहत की इलामत है और बादशाह के सर पर होता है, यीशु मसीह को भी पहनाया गया। मगर वो ताज कोई सोने या कीमती पत्थरों से सजा हुआ नहीं, बल्कि कांटों से बनाया गया था। वो कांटे लोहे के नहीं, एक दरख्त के कांटे थे। कौन से दरख्त के कांटे थे, अभी हम वो दरख्त देखने वाले हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील 27 बाब और 29वीं आयत में लिखा है, और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा, और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया, और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे, और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसके कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। मुकद्दस मरकज की इंजील 15वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा। वो कांटों का ताज जो यीशु मसीह को पहनाया गया, क्या वो आज भी मौजूद है? जी हाँ, वो कांटों का ताज आज भी मौजूद है। 13वीं सदी में उसे फ्रांस का बादशाह लुईस खरीद कर अपने साथ ले गया, और आजकल वो कांटों का ताज पेरिस के एक चर्च नोटर डाम में रखा हुआ है। उस चर्च का नाम नोटर डाम कैथेड्रल है। इस वीडियो में आप उस ताज को देख सकते हैं। तस्वीर में देखा जाए तो ताज को तीन जगह से सोने के बंद बांधे गए हैं। दरअसल ताज के तीन टुकड़े किए गए थे, ताकि अगर किसी वजह से ताज को नुकसान हो तो देखने के लिए कोई एक टुकड़ा ही बच जाए। अब तीनों हिस्सों को एक कंटेनर या केस में महफूज करके चर्च में रखा गया है।
कहा जाता है कि ताज पर 70 कांटे थे जो फ्रांस के बादशाह को ताज बेचने से पहले काट दिए गए। वो कांटे कई चर्चेज में एक अरसा तक महफूज रहे, जिनकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर बताई जाती है। ये 4 कांटे इस जार में आप देख सकते हैं। यकीन किया जाता है कि जिस दरख्त की कांटेदार शाखों से यीशु मसीह के लिए ताज बनाया गया, उसका नाम जी सीना क्रिस्टी है। इस दरख्त को फारसी में कनार और अरबी में सिद्र या सिदरा कहा जाता है। इसकी शाखें कांटेदार होती हैं, ताहम बाज दरख्तों में बगैर कांटे के भी शाखें पाई जाती हैं। इस दरख्त को देखिए और इसकी शाखों को, कांटों को भी देखिए। इसका फल बेर के जैसा होता है। ये दरख्त फलस्तीन, अफ्रीका और ईरान में पाया जाता है। इसराइल में एक ऐसा दरख्त भी है जो 800 साल पुराना है, जबकि बाज लोगों का ख्याल है कि 1500 से 2000 साल पुराना ये दरख्त है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, उसने खुद तो कांटों का ताज पहना, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसके कीमती लोग ऐसा ताज पहने। वो आपको जो ताज पहनाना चाहता है, आए देखते हैं वो कौन सा है। दूसरा तिमोथियस 4:8 आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके जहूर के आरजूमंद हैं। आए आज से मैं और आप तैयारी करें ताकि वो ताज हासिल कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए और इसे दूसरों तक शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।